नमस्कार दोस्तों, फैक्ट्री में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल बजाज। डेरा सच्चा सौदा सिरसा आश्रम के बाहर मौजूद है, चर्चा कर रहे हैं, यहां पर आने वाले लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आज यहां पर सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी मौजूद नहीं है, फिर भी लोगों का आना जाना ज्यों के त्यों है। क्यों है जानते हैं, बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। सर जी, धनधन चंद्र आसरा जी, क्या नाम है सर आपका? ऋषिपाल राणा इंसा कल्यात से आए हैं जी। सर आज क्या प्रोग्राम है, किसके तहत आप लोग यहाँ इतनी भारी तादाद में इकट्ठा हुए हो? आज डॉक्टर MS जी गुरु गुरमीत सिंह जी ने की प्रेरणा से हम यहाँ पर आए हैं, और मस्ताना जिया का साथ सतनाम जिया का जन्मदिन है, और उनकी प्रेरणा से हम यहाँ पर आए हैं। उन्होंने हमें सच्चाई का सिखाया, सच्चाई पे चलना, सच बोलना और अच्छे काम करना। 139 काम आज उन्होंने हमें बताए हैं मानवता भलाई के लिए। जी। कितने समय से आप डेरा से आ रहे हो? मैं सन 94 से नामदार रही हूँ, जब इसे डेरे में आ रहा हूँ पूरी आस्था के साथ। पहले उससे, मेरे से पहले मेरे पिताजी सन 85 से जुड़े हुए हैं। हमारी 3 पीढ़ी होगी पिताजी से जुड़ी हुई, और बल्ले बल्ले कर दी जी। बल्ले बल्ले पिताजी ने, मेरे पिताजी पर 4.5 एकड़ जमीन थी, आज हमारे पास 24 एकड़ जमीन है। ये मालिक की दुआ है, मालिक की कृपा से है। हम नशे से दूर रहे और मेहनत करी, पिताजी ने मेहनत करना सिखाया, और ऑस्ट्रेलिया में मेरा लड़का चला गया मालिक की दया से। यहीं डेरे में पढ़िया 4 साल, और आज वो ऑस्ट्रेलिया में सिडनी शहर में है, और दूसरा लड़का भी जाएगा। ये मालिक की मेहर है, हम तो सब कुछ मालिक की दया से ही कहते हैं कि भाई ये सब पे ही दया करता है। 26 सालों से आप डेरा सिरसा में आ रहे हो, क्या आपने यहाँ पर कभी कुछ गलत होते देखा? हमने यहाँ पर कोई गलत नहीं देखा, सब ठीक ही ठीक देखा। यहाँ पर जो बैठने के साथ जो दिखाया गया है गलत, वो बिल्कुल गलत है। पिताजी ऐसा सोच भी नहीं सकते, हम ही नहीं सोच सकते जो उनके शिष्य हैं। हम बुरा नहीं सोचते लड़कियों के बारे में, पिताजी कैसे सोचेंगे जी। हम ये नहीं मानते, ये समाज बिल्कुल ही गलत साबित कर रहा है, गलत झूठा है बिल्कुल समाज। पिताजी ने ऐसा कर ही नहीं सकते। क्यों क्यों टारगेट किया गया, क्यों इतना बदनाम किया गया? फिर ये बदनाम नू किया गया क्योंकि जो नशे के विरोध, नशा का विरोध करते हैं पिताजी, मंदिरों में जाने से कहते हैं भाई वहाँ कुछ नहीं है, अपने अंदर सब कुछ है, गुरुद्वारे से कहते हैं। और जो ये समाज के ठेकेदार बने हुए हैं, राजनीतिक लोग और बड़े बड़े लोग, में वे देखते नहीं खुद सच्चाई को। गुरुजी सच बोलते हैं, लोगों को सच्चाई दिखाते हैं, झूठ से दूर कहते हैं, झूठ 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 में ना हो, तो उन पर सहन नहीं हुई। जो असामाजिक तत्व है उनको सहन नहीं कर सके, इसलिए पिताजी के पीछे पड़े हुए हैं, उन्होंने ऐसा किया है जी। ये बिल्कुल गलत कराया है। ओके, लास्ट में आज समाज को गुरुजी की कितनी ज़्यादा जरूरत है? समाज को गुरुजी की बहुत जरूरत है, उनके बिना भ्रष्टाचार फैल रहा है। अगर वे आएंगे तभी देश दुनिया तभी ठीक हो सकती है, अन्यथा तो दुराचार ज़्यादा फैल रहा है। लास्ट में आप हमारे माध्यम से सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? हम सरकार से ये अपील करना चाहेंगे कि भाई हमारे सतगुरु को मतलब आज़ाद किया जाए, उनको बरी किया जाए, और समाज की भी यही इच्छा है, पूरे समाज की इच्छा है। पूरे राजपूत धर्म में, मैं राजपूत क्षत्रिय मुराड़ सभा की तरफ से भी कह रहा हूँ कि पूरी राजपूत कौम उनको यही चाहती है, समाज ने उन पे, जो ये कानून ने उन पे झूठा दोष लाया उसको बरी किया जाए। धन धन सदगुरु तिरासन। थैंक यू सो मच सर। तो ये समाज के रहने वाले लोग बता रहे हैं कि किस तरह आज समाज को सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी की जरूरत है, कि किस तरह उन्होंने समाज से नशा खत्म किया, 137 से ऊपर मानवता भलाई के काम चलाए हैं, और भी जो समाज में कुरीतियां फैली हुई उनको खत्म किया। उन सबको, जब से वो समाज के बीच नहीं है, नशा बढ़ रहा है, कुरीतियां बढ़ रही हैं, उन सबको रोकने के लिए सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी की समाज को बहुत ज्यादा जरूरत है। आपके क्या विचार हैं वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करके बताएं। सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, देखते रहे, जुड़े रहे द फैक्ट के साथ। धन्यवाद।